अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बाल्टीमोर नाम का एक शहर है। शहर में बेहद मशहूर फ्रांसिस की ब्रिज से एक मालवाहक जहाज टकरा गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पुल ढह गया। इस हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जो जहाज पुल से टकराया है उसका क्रू भारतीय है। इस घटना पर व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आया है। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात का है, करीब 1:30 बजे का। पुल से टकराने वाले जहाज का नाम डाली है। अमेरिका की एबीसी न्यूज के मुताबिक बाल्टीमोर में हुई इस घटना को लेकर शिप मैनेजमेंट कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप का बयान सामने आया है। कंपनी का कहना है कि डाली जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। इसके अलावा हादसे के दौरान जहाज के अंदर बाल्टीमोर बंदरगाह के 2 पायलट भी मौजूद थे। एबीसी न्यूज को मिली एक अनक्लासिफाइड अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब जहाज बंदरगाह से निकला तभी चालक दल का उस पर से कंट्रोल छूट गया था। अब ना तो चालक दल इस जहाज को मोड़ सकता था और न ही से आगे बढ़ने से रोक सकता था। इसके बाद जहाज के चालक दल ने यानी क्रू ने मैरीलैंड के अधिकारियों को मेडे कॉल किया यानी इमरजेंसी सिग्नल दिया। ये कॉल जहाज के फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकराने से कुछ देर पहले ही किया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और पुल को खाली कराने की कोशिश की। जहाज में इस तरह से खराबी क्यों आई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि मेडे कॉल के बाद जहाज के क्रू ने लंगर डालकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक जहाज रुक पाता उससे पहले ही वो बाल्टीमोर पुल के एक खंभे से टकरा गया। टक्कर के कुछ ही सेकंड के बाद पुल पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर गया। गवर्नर मूर का कहना है कि जहाज के क्रू ने मेडे कॉल के जरिए बड़ी संख्या में लोगों की जान बचा ली। हादसे वक्त अगर पुल पर ट्रैफिक होता तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती थी। समय रहते सूझबूझ से काम लेने पर गवर्नर ने भारतीय क्रू मेंबर्स का धन्यवाद किया है। मूर ने यह भी बताया कि पुल ढहने से पहले पूरी तरह से ठीक था। इस हादसे पर व्हाइट हाउस का भी बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने हादसे में लापता हुए लोगों के परिवारों को सांत्वना देते हुए कहा कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि हादसे के बाद फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पर काम कर रहे 8 लोग पटाप्स्को नदी में गिर गए थे। इनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी 6 लोग लापता हैं। प्रशासन ने इन्हें अब मृत घोषित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कई घंटों तक पटाप्स्को नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पानी के तापमान और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से नदी में गिरे 6 लोगों का जिंदा बचना बेहद मुश्किल है। इसे देखते हुए सर्च ऑपरेशन बंद किया जा रहा है। हालांकि कोस्ट गार्ड और दूसरे अधिकारी अब भी वहां मौजूद रहेंगे। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने से पहले डॉली जहाज 3 बड़ी घटनाओं में भी शामिल रहा है। दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में जहाज की लिफ्ट खराब होने के कारण एक टेक्नीशियन की मौत हो गई थी। 2019 में जहाज में सवार एक अधिकारी के लापता होने की सूचना मिली। इसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि अधिकारी लाइफ बोट पर काम करते समय पानी में गिर गया होगा। वहीं साल 2023 में जहाज फिलीपींस के तट पर एक कंटेनर से टकरा गया था। इस घटना में एक फिलीपींस और एक चीनी नागरिक की मौत हो गई थी। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव।